मैं एस पी गौतम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। हम लोग पिछली क्लास में ग्राफ के बारे में और तालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। पेट महाभियान के तहत हम लोग ये सब वीडियो बना रहे हैं, जो कि आने वाले जो पेट का एग्जाम 15 और 16 को प्रस्तावित है उसके तहत हम लोग ये सब पढ़ा रहे हैं। आते हैं आज के टॉपिक सारणी पे, पढ़ते हैं ग्राफ को। निर्देश: निम्न सारणी में 5 गाँव की जनसंख्या को दर्शाया गया है, सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले सारणी का अध्ययन तो करते हैं ध्यानपूर्वक। सारणी को देखते हैं, सारणी में दिया है गांव है, 5 गांव है, हाफिजपुर, बलरामपुर, शेखपुरा, बनकट और जुनेजगंज, और सभी प्रत्येक गांव की जनसंख्या दी हुई है। हाफिजपुर की 8,000, बलरामपुर का 6,000 है, और शेखपुरा का 6,400, बनकट का 8,100, जुनेजगंज का 9,000। अब इस प्रकार देखते हैं कि हाफिजपुर में जो गांव में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है 20%, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है 20%। फिर आगे दिया है, अगली स्तंभ में दिया है कि 18 वर्ष से ऊपर जॉब करने वालों लोगों का प्रतिशत दिया है 40%, 50%, 30%, 20% और 25%। थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं पहले ध्यानपूर्वक। क्या समझने वाली बात क्या है इसमें? ये 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का प्रतिशत दिया है, और तब ज्यादा वालों का प्रतिशत क्या होगा? तो सीधी सी बात है, टोटल जनसंख्या 100% हमारी होती है। जब 18 से कम वाले लोगों का प्रतिशत 20 है तो 18 से अधिक वाले लोगों का प्रतिशत कितना होगा? 8,000 का 80% निकाल लेंगे, यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक लोगों का प्रतिशत 70% हो जाएगा, यहाँ पे 90% हो जाएगा, 18 वर्ष से अधिक यहाँ पे 80%, 18 वर्ष से अधिक यहाँ पे 85% हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर ये जॉब करने वाले लोगों का प्रतिशत है, न कि ये 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का प्रतिशत है, ये जॉब करने वालों का प्रतिशत है। पहले तो 18 वर्ष से अधिक लोगों का प्रतिशत निकालेंगे, उसके बाद जॉब करने वाले लोगों की संख्या निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हाफिजपुर में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या है। हाफिजपुर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या है, तो देखते हैं निकालते हैं। हाफिजपुर पहला गांव है, हाफिजपुर की कुल जनसंख्या 8,000 है, और 18 से कम उम्र के लोगों का प्रतिशत कितना है? 20% है, तो 18 से अधिक वाले का प्रतिशत क्या होगा? 80% हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं 8,000 का 80%, 8,000 का 80%, यानी 80/100 कैंसिल करते हैं जीरो से, इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल करते हैं, 8/64 = 64, 2 जीरो बचा है तो 6400, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दो में दिया है, किस गांव में 18 वर्ष से कम उम्र वाले सबसे कम है। अब क्या करेंगे हम, हाफिजपुर का 18 से कम उम्र वाले लोगों की संख्या ज्ञात करते हैं, बलरामपुर में 18 वर्ष से कम लोगों की संख्या को ज्ञात करेंगे, हालांकि यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो हम संख्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, शेखपुरा में निकालेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि सबसे कम किस गांव की जनसंख्या है जो 18 वर्ष से कम है। आते हैं निकालते हैं, हाफिजपुर का सबसे पहले निकालते हैं, हाफिजपुर का यस हम दिखा रहे हैं, यस का मतलब हाफिजपुर, आप लोग समझ जाइएगा यस का। तो हाफिजपुर में कम 8,000 का 20% निकालते हैं, 8,000 का 20%, हमको पता है कि 20% का जो मान होता है वह निकाल लेते हैं, जैसे 20% 20/100 निकाल लेते हैं। हमें कहने वाले थे 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, तो हम हालांकि 1/5 हम भिन्न मान नहीं लिख रहे हैं, उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, बाकी बराबर 8 जाएगा, 8 × 2 = 16, ये हो जाएगा 1600, 2 जीरो बचा है 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो मतलब हाफिजपुर में 18 वर्ष से कम उम्र के लोग कितने हैं? 1600 हैं। अब आते हैं बलरामपुर में, बलरामपुर का भी निकालते हैं, बलरामपुर का कितना है? 6,000 का 30% निकाल लेते हैं, 6,000 का 30%, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 1 जीरो इसका कैंसिल कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 36 18 1800 हो जाएगा, बलरामपुर का 1800 आ गया। अब शेखपुरा का निकाल लेते हैं हम, शेखपुरा का क्या होगा? शेखपुरा में है 6400 का 10%, तो 6400 × 10/100, 1 जीरो से यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 1 जीरो का यहाँ, ये बराबर 640 आ जाएगा। अब निकाल देते हैं बनकट का, निकालते हैं तो बनकट का निकालेंगे तो बनकट का हो जाएगा 8100 का 20%, 8100 × 20/100,
एक जीरो इससे कैंसिल करते हैं, इसका एक जीरो यहाँ से कैंसिल करते हैं, बाकी 81 दूना होता है 162, बराबर लिख देते हैं 162 और एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, यानी 1620 आ जाएगा बनकट का। अब जुनेदगंज का निकाल लेते हैं, जुनेदगंज का 9000 का 15% निकाल, 9000 का 15 बट्टे में 100, दो जीरो से कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, बराबर 15 9 135, यानी 135 लिख देते हैं, एक जीरो बचा हुआ है, यानी 1350। अब देख लेते हैं किस गांव की जनसंख्या सबसे कम है 18 वर्ष से कम उम्र वाले के, देखते हैं हाफिजपुर में 1600 है, बलरामपुर में 1800 और शेखपुरा में कितना है 640 था, शेखपुरा में 640 है और बनकट में 1620 है, शेखपुरा में 640 सबसे कम दिख रहा है, तो शेखपुरा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, गांव बलरामपुर में 18 वर्ष से ऊपर जॉब करने वाले लोगों की संख्या क्या है, तो गांव बलरामपुर में 18 वर्ष से ऊपर जॉब करने वाले लोगों की संख्या क्या है, इसके लिए हम पहले तो 18 वर्ष से ऊपर लोगों की जनसंख्या प्राप्त रहेगी तब तो निकालेंगे जॉब वालों का प्रतिशत, यहाँ पे जो दिया है जॉब वालों का प्रतिशत दिया है, न कि 18 वर्ष से अधिक लोगों का प्रतिशत दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का प्रतिशत दिया है, तो यहाँ से तो पता चल जाएगा हमारा 18 वर्ष से अधिक वाले का कितना प्रतिशत होगा, तो किसका निकालना है बलरामपुर का, तो बलरामपुर में 30% 18 वर्ष से कम है, यानी कि 70% 18 वर्ष से अधिक होंगे, तो क्या करेंगे हम 70% ये जो जनसंख्या निकलेगी यह 18 वर्ष से अधिक है। अब क्या करना है हमको, जॉब करने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है 50% है, 50 बट्टे में 100, इसका दो जीरो के साथ दो जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, बाकी इसको कैंसिल करेंगे दो आएगा, ये बराबर हो जाएगा 600 × 7 बट्टे में एक है कुछ नहीं मानेंगे, बट्टे गुड़े 1/2, तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 300 बार जाएगा, बराबर 300 का 7 से गुणा करते हैं, 3 7 21 2100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि बलरामपुर में 18 वर्ष से ऊपर जो जॉब करने वाले लोगों की जनसंख्या है वो 2100 है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न क्या दिया है, शेखपुरा में 18 वर्ष से कम उम्र वालों का जुनैदगंज में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का अनुपात क्या है, अच्छा शेखपुरा में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का यहाँ से निकालते हैं, अभी पिछली क्लास में पिछले प्रश्न में हम निकाले थे शेखपुरा में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों का अनुपात पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, शेखपुरा में 6400 का 10% अनुपात, फिर क्या पूछा है जुनैदगंज में 18 वर्ष से अधिक, जुनैदगंज 18 वर्ष से अधिक यानी 85%, तो 9000 का 85% यानी 85 बट्टे में 100, तो क्या कर दें इस 100 के इस 100 से कैंसिल कर देते हैं, इस जीरो दो जीरो यहाँ पे दो जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, ये जो बराबर आ जाएगा अनुपात 64:9 × 85, अब गुणा कर लेते हैं 85 का, क्योंकि ये हमारा ये दोनों हमारे लग रहे हैं क्या बोलते हैं सहभाज्य गुणनखंड ये हैं, तो मतलब ये दोनों कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, 64:9 हो जाएगा, 9 5 45 को 5, 9 8 72 72 4 76, यानी 64:765 जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दोस्तों यही पे हमारी वीडियो खत्म होती है, और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।